आज हमारा मनाली में सेकंड डे है और आज हम सोच रहे हैं सोलंग वैली और अटल टनल जाने की। देखते हैं वहाँ पे। आज लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम अटल टनल नहीं जा पाए थे क्योंकि उसका इनोग्रेशन हो रहा था उस टाइम पर। इस बार हम अपना वो वाला ड्रीम भी पूरा कर लेंगे और रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह, पहले की तरह से फिर से रेडी हो गए। मिरर के सामने मिलती है जब भी मिलती है ना। तो कल बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करी, 550 किलोमीटर अराउंड हमने कल ड्राइव किया है और मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस था। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने ब्लॉग्स के जरिए, आता जाएगा। कल तो ना हमें इस ब्लॉग स्टार्ट करने की पता थी, ना ब्लॉग को बंद करने का पता था, कुछ आइडिया ही नहीं मिल पा रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस ना सिर्फ ड्राइविंग पे था। तो होपफुली अच्छे से और एक्सप्लोर करते जाएंगे। और मैडम तैयार हो गई? अरे यार, ये काम नहीं कर रहा कल जल्दी। मैंने आपको अच्छे से रूम टूर नहीं देखा, आप देख लो, ये यहाँ पे मिरर दिया हुआ इन्होंने, खतरा हो जाता ये है रूम तुम्हारा। है, ये कबर्ड है, यहाँ पे रूम की एक्सेस की, ये मेरा बाथरूम। अच्छा है एम्बियंस है, और ये सारा हमारा सामान फैला हुआ है। और ऐसा है कुछ हमारे रूम के बाहर का व्यू, काफ़ी सुंदर सा व्यू है। और जो ये सामने स्नो पड़ी हुई है ना, इसका जब धूप पड़ती है इसके ऊपर एकदम अलग शाइन मारती है। ये जूम करके दिखाता हूँ। तो चलो यार, अब ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। चलें अब, कितनी देर लगेगी? अबे नहा धो के आ गए। अबे अबे नहा धो के आ गए। नहीं मैं नहा धो के आया, ये तो ये नहाए नहीं है, धो ही देर से ठंडे पानी से। बहुत बुरा वाला हाल था, रूम की लाइट चली गई थी तो हम सब ठंडे पानी से ही मुंह हाथ धो के चले आए हैं, माइनस वाले टेम्परेचर से। हैं नहाए थे तुम? तो ठंडे से नहा के, ठंडे से नहा के, तेरी तो खोपड़ी सुन्न हो गई होगी। अरे यही तो था मेरा, इधर है स्टॉल। हम तो भूख लगनी थी हमें, तो लग रही है भैया। अरे यार वो बंद है, मगर वो वाली तो आगे वाली खुली। अरे आगे वाली खुली हुई, आगे वाली। इधर से चल, इधर से चलो, शॉर्टकट मार लेते हैं। चाय पी ले, चाय आप तो मिल रही है। हाँ हाँ, यहाँ से ले लेंगे, चाय लेते हैं भाई, चाय लेते हैं। बाकी तो है हमारे पास भैया, अदरक ढंग से डाल देना ना। अदरक डाल दो, दूध डाल नहीं पता। अदरक वाली चाय, अदरक ही अदरक, अदरक वाली चाय, अदरक ही अदरक है, अदरक वाली चाय, अदरक ही अदरक, दूध नहीं डालना। हाँ जो भी ले लो, चाय बना सैंडविच है, पूछना है। गुड सैंडविच है, सैंडविच। आवाज भी निकल रही है, ठंड में होंठ अकड़ गए, ठंड में होंठ अकड़ गए। हां क्या कर दिया? और मैं डाल ला मेरी तरफ। अरे अंदर डालो इसके, चाय पी के देख पता चल जाएगा क्या वो नहीं करा सकती अभी मेरे में नहीं। तो चलो भाई, नाश्ता तो हो गया है, अब हमने डिसाइड कर लिया है, हम जा रहे हैं फिलहाल सोलंग वैली। और सोलंग वैली यहाँ से है 19 किलोमीटर, और सारे जने तैयार हैं, रास्ते में कहीं देखेंगे सूट वूट मिल रहे होंगे तो स्नो सूट। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम दिल्ली से इतनी दूर चल के आए हैं। क्यों भाई नमित, सही बात है ना? तो अब हमें स्नो मिलेगी, और जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, हमारा वो गोल, वो एम पूरा होने वाला है, और खूब इंजॉय करने वाले हैं हम लोग स्नो में। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जल्दी से जल्दी पहुँचने की, बट मैप दिखा रहा है बहुत ज़्यादा ना ट्रैफिक है वहाँ पर। होगा भी यार, जाहिर सी बात है, वहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ वहीं जाती हैं, एक साइट सीइंग प्लेस वही बना हुआ है यहाँ पे मनाली में, तो ट्रैफिक है कुछ भी है भाई, सबको झेल के जाना जरूर है स्नो में। स्नो में ही खेल लेते हैं भाई, क्योंकि स्नोफॉल तो हमने चेक किया था वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर कि स्नोफॉल तो यहाँ भी प्रिडिक्टेड है नहीं,
वो 15 या 16 को मॉर्निंग में दिखा भी रहा है, बट जिस हिसाब से यहाँ टेम्परेचर बना हुआ है ना, तो लग रहा नहीं है कि स्नोफॉल होगा। तो भाई स्नो तो मिल ही रही है यार, सब चीज़ का अलग अलग एक्सपीरियंस है, नहीं पाते हैं। मगर ये जो इन्वायरमेंट होगा ना, ये काफ़ी अच्छा होगा कि स्नो स्नो होगी, स्नो में खेलने का अलग ही मज़ा है। मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है भाई, क्योंकि जब मैं पहले कभी आया था ना स्कूल के पिकनिक टूर पे, तब तो काली काली बर्फ़ थी, वो भी रोहतांग पास पे जाके मिली थी, क्योंकि हम जून वून के टाइम में आए थे। और अब तो भाई मज़ा ही आने वाला है अलग मेरे लिए, इसीलिए बहुत बढ़िया वाला एक्सपीरियंस होने वाला है ये। दिल ना एकदम बाग बाग हो जाएगा, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए भाई, बस समझ जाओ तुम फीलिंग्स को देख करके। रील्स पे रील्स बनाऊंगा जा करके बस। यार 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मुझे लग रहा है और भी टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया ना हम इतनी जगह देखते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं भाई, और फिर पैदल चलते हैं। चलो ठीक है, घोड़ा टेढ़ा है, घोड़ा टेढ़ा है भैया। भाई सुनो, अब मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊं, पते वाली है, पते वाली बात है। सुनो, अभी कपड़े गंदे नहीं है, फोटो अभी लेने का बेस्ट टाइम है, उसके बाद जो मर्जी करो यार। यही बढ़िया है, यही बढ़िया है। पीछे का व्यू देखो ना कितना मस्त आ रहा है। हां सच में आ जाओ, बस ये देखना भैया कोई घुस ना जाए अंदर। नहीं वैसे लोगों के पैर है तो दैट मींस के ज्यादा नहीं होगी। पहले एक बंदे को जाने दो, बाद में पीछे बता मुझे। हमोन जी तुम आगे जाओ, आवाज लगाने के लिए मुंह ही ना ऊपर हो फिर। सही है, चलो फोन निकालो। फिर एक बार नमित का भी एरियल शॉट बना देंगे।